Please subscribe to our channel Education Talks with Abbas and press bell icon for latest and more educational videos. Dear friends, I already start the series of lecture which contains chemical reaction engineering. So please do subscribe my YouTube channel and share with friends. So dear friends, so last lecture we discussed about the chemical reaction engineering. What is the chemical reaction engineering? Chemical reaction engineering, that we study the basic chemical reaction and reaction and mechanism and design of a reactor. It's called chemical reaction engineering. बेसिकली इसमें करते क्या है, हमने देखना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, उसमें कौन सी मैकेनिज्म, कौन से रिएक्शन हो रहे हैं और जो है उसकी जो काइनेटिक्स कैसी है, और हमने उसमें जो हमने केमिकल रिएक्शन जिस इक्विपमेंट में करना है जिसे हम रिएक्टर बोलते हैं वो हमने डिजाइन करना है रिएक्टर. तो ये जो रिएक्टर डिजाइन भी हमारा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आएगा. तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जो है वो कैमिकल लास्ट में देख लीजिए. अब मैं पहले से पहले कहना चाहता हूं कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का केमिकल इंजीनियरिंग में क्या रोल है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का केमिकल इंजीनियरिंग में क्या रोल है. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं केमिकल इंजीनियर करता क्या है. केमिकल इंजीनियरिंग का इंजीनियर का काम क्या है कि रॉ मटेरियल को जो है प्रोडक्ट में चेंज कर दे यूजफुल प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस. और सेकंड जो है हमारे इसका कि जो है वो जो हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो. ठीक है, तो इसमें हम जो सबसे पहले हम काम करते हैं हम अपने रॉ मटेरियल को इसमें ऐड करते हैं. सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं इसका रॉ मटेरियल का. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा केमिकल ट्रीटमेंट का प्रोसेस आता है कि हम उसको केमिकल रिएक्टर में हम उसको ऐड करते हैं और उसका जो रिएक्टेंट का उसमें रिएक्शन करते हैं और नई चीज जो है हम उसमें जो यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं. ठीक है, तो इसमें फिजिकल ट्रीटमेंट है और केमिकल रिएक्टर. उसके बाद जो अगला है फिर हम उसे फिजिकल हम उसे ट्रीटमेंट करते हैं. फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसका और फिर हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है. अब इसमें जो हमारे पास जो है फिजिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, फिजिकल ट्रीटमेंट हमारे पास कोई भी हमारा जो है इसमें हम यूनिट ऑपरेशन यूज करते हैं हमारे पास क्रशिंग आ गई इसमें. ठीक है, क्रशिंग हम यूज कर लेते हैं इसमें और हम इसमें हमारा इसमें ट्रांसफर फिनोमिया ट्रांसफर की चीज करने की उसमें आ जाती है. ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस आ जाता है. हमने मतलब इसमें डिफरेंट हम जिस तरह हम शुगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके पहले से हम उसकी जो है सारे वो क्रशिंग करेंगे उसकी हम जो है उसमें हम जो है फिल्ट्रेशन यूज करेंगे. उसके बाद हमारे पास अगला आएगा केमिकल रिएक्टर जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, इसे हम केमिकल ट्रीटमेंट भी बोल देते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, इसमें हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट आएगा और जो हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए वो उसे हम कर देते हैं रीसाइकल, यहाँ से रीसाइकल हम कर देते हैं, हमारे पास रीसाइकल की ऑप्शन होती है. तो हमने पीछे जो है डिफरेंट कोर्सेस पर एक फिजिकल ट्रीटमेंट के हवाले से ट्रांसपोर्ट फिनोमिना हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी और जो है फ्यूल हमने उसके बारे में ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मैस ट्रांसफर पढ़ा हमने हीट ट्रांसफर पढ़ा डिफरेंट हमने प्रोसेस पढ़े. लेकिन जो केमिकल रिएक्शन जो है इसका ट्रीटमेंट हो रहा है इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें हमारी यूनिट प्रोसेस इन्वॉल्व होगा. हमारे रिएक्टर जो मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे वो इसमें हम जो है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के बारे में इंजीनियरिंग में इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो है इसमें हमारा कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसमें उसकी फ्लो पैटर्न क्या है, हम रिएक्टर को कैसे डिजाइन करेंगे, तो सारा जो है इसमें हम डिफरेंट प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे इसके हवाले से केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग.
केमिकल ट्रीटमेंट जो है हमारे इसमें थ्री वेज में हो सकती है। पहली वेज जो हमारी होती है कंबिनेशन, दूसरा हमारा है डीकंपोजिशन, और तीसरी इसमें आ जाती है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन तो कंबाइनेशन, कंबिनेशन का मीन ये है हम कोई भी रिएक्टेंट को हम कंबाइन कर रहे हैं और हम नेक्स्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, मीन उसे एक्स प्लस वाई को ऐड कर रहे हैं और अपना हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कंबिनेशन। मीन उसे हम जो हाइड्रोजन और आयोडीन को ऐड कर रहे हैं और जो है हाइड्रोजन आयोडाइड हम इसमें बना रहे हैं, ये हमारा कंबिनेशन रिएक्शन है। और इसमें हम जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने कंपाउंड को डिसोसिएट कर रहे हैं, इसे हम बोलेंगे डीकंपोजिशन। कहीं हमें जरूरत पड़ती है कंपोजिशन की, कहीं हमें जरूरत पड़ेगी डीकंपोजिशन, ठीक है। इसमें इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने जो हमारा प्रोडक्ट है या हमारे उसके या हम कैसे रिएक्टेंट हमारे पास है हम उसको डीकंपोज कर रहे हैं, इसे हम बोलेंगे डीकंपोजिशन, ठीक है। आइसोमराइजेशन क्या है कि हम इसमें जो है अपना जो है पोजीशन हम अपने कंपाउंड की चेंज कर दें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड आएगा CH3 CH2 CH2 CH3, इसकी हमने आइसोमराइजेशन की, हमारे पास आ गया CH3 CH। हमने क्या किया बेसिकली इसमें पोजीशन चेंज कर दी, जिस तरह से हमारा न्यू जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो गया है। इस तरह हम जो है हमारे जो तीन हमने जो केमिकल ट्रीटमेंट देखे, कंबिनेशन, डीकंपोजिशन और आइसोमराइजेशन। अब बेसिकली हमारा जो केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना चाहता हूं कि हमने केमिकल ट्रीटमेंट देखे कि थ्री फेज में होते हैं, कंबिनेशन, डीकंपोजिशन और आइसोमराइजेशन। तो अब जो है हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो फॉर्म हो रहा है हमारा प्रोडक्ट में। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसमें हमारा रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब इसमें क्या हो रहा है, हम ये जो कोई भी रिएक्टेंट दो मिलके हम जो सब्सटेंस मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, ये हमारा है प्रोडक्ट। अब ये जो हमारा रिएक्टेंट क्या करेगा कि अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगा और नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करेगा, इसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन जो है, व्हेन एनी कंपाउंड लॉस्ट इट्स ओन आइडेंटिटी, लॉस्ट इट्स ओन आइडेंटिटी एंड अडॉप्ट एन आइडेंटिटी एंड अडॉप्ट न्यू आइडेंटिटी, कह सकते हैं इसे न्यू आइडेंटिटी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये हमारा केमिकल रिएक्शन है कि हमारा जो रिएक्टेंट है हमारा कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लॉस करके न्यू आइडेंटिटी जब अडॉप्ट कर लेता है हम इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको समझ आ गई होगी, लेकिन जो इसमें हम कोर्स में जो है हम ये हमारा कोर्स जो है CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इसमें जो है हम जो तीन टॉपिक को बेसिकली हम लेके चलेंगे CRE में बेसिकली तीन टॉपिक लेके चलेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक इसमें होगा हमारे इसमें आ जाएगी काइनेटिक्स, आ जाएगी काइनेटिक्स ऑफ दी रिएक्शन। दूसरा हमारा इसमें टॉपिक होगा वो हमारा होगा फ्लो पैटर्न, फ्लो पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है इसमें रिएक्टर डिजाइन, मैंने इसे जो है इसे क्लासिफाई कर दिया है सेक्शन इंजीनियरिंग में जो बेसिक टॉपिक्स है उसमें काइनेटिक्स है, इसमें फ्लो पैटर्न आ जाते हैं और हम रिएक्टर को कैसे डिजाइन करेंगे। अगर काइनेटिक्स हैं हाउ फास्ट थिंग्स हैपनिंग कि हमारा रिएक्शन जो है कितना फास्ट हो रहा है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उसका
इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसमें जो हम सारे डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारे काइनेटिक्स के बारे में। काइनेटिक्स जो है ये हमारे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग या केमिकल रिएक्शन में एक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगला जो है हमारा फ्लो पैटर्न, ये हमारा फ्लो पैटर्न क्या है, हमारा मिक्सिंग बिहेवियर कैसा है, मिक्सिंग बिहेवियर हमारे इसमें कैसा होगा। फ्लो पैटर्न हमारे इसमें हम CSTR यूज कर रहे हैं, PFR यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंटीन्यूअस स्टीमिंग रिएक्टर हमारे पास आएगा, तो हमारा मिक्सिंग जो हमारे रिएक्शन में क्या इफेक्ट करेगी, ठीक है, तो ये हम देखेंगे इसके बारे में। और रिएक्टर डिजाइन, इसमें हम मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, इसमें हम मैथमेटिकल रिलेशन यूज करेंगे, और इसमें हम जो है डिफरेंट इक्वेशन यूज करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, सिमुलेशन करेंगे डिजाइन। तो ये हमारे कोर्स का इसमें जो है कंटेंट है, इसमें हम जो है अपने इस चैनल में हम ये सारे चीजें आपको डे बाय डे इंशाल्लाह वन बाय वन आप सब डिस्कस करेंगे। तो आप जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है इंशाल्लाह इसमें हम सब चीजें इसमें जो है डिस्कस करेंगे। जो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इंशाल्लाह ये हम तमाम चीजें जो है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की पढ़ेंगे। क्योंकि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जो है वो हार्ट है किसी भी जो केमिकल प्रोसेस का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो इसे जरूर देखिए, इसे बार बार देखें, इसे अपनी कॉपी पे नोट भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम।